और ये अपर वाटर चैनल कहलाता है। तो धनबाद के दो वाटर चैनल हैं और मैं इस वक्त सरभंग में मौजूद हूँ। ये ग्लेशियर का पानी गर्मियों के सीज़न में इसके इस पानी की मकदार में इजाफा हो जाता है और ये पानी वाटर चैनल के ज़रिए से पीछे आबादियों में चला जाता है और ये आबादियाँ सैराब हो जाती हैं। इसी तरह से मेरे उल्टे हाथ पे दनियोर का अपर वाटर चैनल है, नीचे जाके दनियोर का लोअर वाटर चैनल है, इसी तरह से सुल्तानाबाद का लोअर वाटर चैनल नीचे है। तो ये ग्लेशियर का पानी गर्मियों के सीज़न में मेल्ट होकर पीछे ग्लेशियर से आता है। ये जो पानी आ रहा है राकापोशी का एक बेग कहलाता है और ये राकापोशी के बेग यार्ड्स है, यानी कि राकापोशी की पिछली साइड्स है, ये पानी मेल्ट होकर आता है। बहुत बड़ा लंबा ग्लेशियर है, अंदर एक पन बिजली घर भी है जहाँ से बिजली पैदा की जाती है। इसी तरह से अंदर बहुत सारे गांव भी आबाद हैं, हज़ारों कनाल ज़मीन अंदर मौजूद है और ये वसी वरीज इलाके हैं, अंदर बड़े बड़े जंगलात भी हैं, तो बड़े बड़े गांव भी आबाद हैं। और ये जो पानी है ये सरबंद कहलाता है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये वाटर चैनल निकाला और इस वाटर चैनल से पानी सुल्तानाबाद अपर सुल्तानाबाद को सैराब करता है। इसी तरह से लोअर सुल्तानाबाद के लिए एक और वाटर चैनल है, बड़ा वाटर चैनल है और साथ ही ये अपर दनियोर का चैनल है, वाटर चैनल है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सारे चैनल बनाए हैं। इसी तरह एक लोअर दनियोर वाटर चैनल है। यूँ ये एक फॉर्मेशन होती है पानी की और ये पानी जाता है पीछे गांव में और ये सारे गांव सैराब हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, इन इलाकों का विजिट करना चाहिए, बहुत सारे सैयाह यहाँ पर आ जाते हैं। हम भी ईद की छुट्टियों पर यहाँ पर आए हैं और ईद की छुट्टियाँ मनाने खा पी कर हम इन नाड़ू में आए हैं और हम चाह रहे हैं ज़रा वॉक कर लें, हम हाइक कर लें। इसी तरह से हम इस सरबंज में आए हैं। सरबंज से मुराद ये है कि पीछे नाले में पानी आता है ग्लेशियर का और ये पानी बांध कर आगे ले जाया जाता है। इस पानी के ज़रिए से पीछे इलाकों को सैराब किया जाता है, पीछे जंगलात हैं, फलदार दरख्त हैं और इसी तरह से दूसरे वाली साइड पर दूसरा गांव है दनियोर, बहुत बड़ा गांव है गिलगित बल्तिस्तान का और ज़िला गिलगित का सबसे बड़ा गांव है। तो ये पानी उत्तर से सैराब करता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पानी की मकदार में कमी पाई जाती है, सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ चश्मों का पानी होता है, पानी की मकदार कम हो जाती है। ये जो नाले का पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गांव को सैराब करने के लिए पानी रहता है और वन बाय वन जो है पानी बाकायदा तौर से एक से अगला घर, अगले से अगला, अगले से अगला, यूँ पानी बराबरी की बुनियाद पर सैराब किए जाते हैं। हमारे यहाँ कस्टमरी लॉज हैं, उन कस्टमरी लॉज के ज़रिए से पानी की तकसीम होती है। पानी दो गाँव के दरमियान पानी की तकसीम कैसे होगी, इसी तरह से फिर एक गाँव के अंदर दो बड़े वाटर चैनल थे उसमें पानी की तकसीम कैसी होगी, ये सारा तय होता है। हमारे लोकल लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं, अनरिटन लॉज हैं, उन लॉज की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर पानी की तकसीम होती है और ये साल आ साल ये पानी बहता रहता है। पीछे गांव भी सैराब होते हैं, बिजली भी पैदा होती है और इसी तरह से ये जब पानी बढ़ जाता है तो दरिया में चला जाता है और ये दरिया दरियाए हुंजा, फिर दरियाए गिलगित, उसके बाद स्कर्दू रिवर, ये इंडस रिवर और इंडस रिवर जाके रिवर काबुल गिरता है, इसी तरह से जाके समंदर में ये पानी गिर जाता है। तो ये नालू का पानी, ग्लेशियर का पानी नालू में आता है, नालू का पानी दरियाओं में जाता है और दरियाओं का पानी समंदर में चला जाता है। बहुत ही हसीन मनाजिर है यहाँ पर। मैं बड़े अरसे बाद इस इलाके में आया हूँ, हम जब छोटे थे तो ये पानी को यहाँ से लेकर जाना, यहाँ से सरबंद से पानी आगे करना, क्योंकि यहाँ पर पानी की कटाव होती है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है रजा की, तो हर घर से एक बंदा आता है और वो मिलकर हम पानी आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इनपुट जीरो है अंडा, लेकिन इलाके के लोग बड़े वाइब्रेंट हैं, खेती बाड़ी के लिए पानी लेके जाते हैं, पीने का पानी यहाँ से जाता है। ये तमाम तर काम जो है यहाँ के लोग, मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। क्यों ये इलाका आबाद है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के इनपुट बहुत कम है। किसी बड़े डिज़ास्टर होता है, कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है, उसके नतीजे में यहाँ पर यकीनन हुकूमत फंड करती है, लेकिन आम दिनों में पानी जो है यहाँ के जो मकीन होते हैं खुद अपनी मदद आपके तहत रजाकी के ज़रिए से पानी यहाँ से बांध के सरबंद से आगे लेके जाया जाता है। इस पानी को थोड़ा फिल्टर करने के लिए आगे छोटे छोटे वाटर टैंक बने हुए हैं, उन वाटर टैंक से जो सिल्ट होता है वो नीचे चला जाता है और पानी सटल होके थोड़ा साफ होके वो आगे चला जाता है। मैं आप इस वक्त मौजूद हूँ, ये फिल्ट्रेशन टैंक है,
इस डिटर्जेंट टैंक में पानी जो पीछे से पानी आता है वो साफ होता है। अब जब पानी का बहाव बढ़ जाता है या आगे ये वाटर चैनल टूट जाता है किसी बिना के ऊपर बारिशों की वजह से, तो यहाँ से ये गरारी खोली जाती है और पानी यहाँ से नीचे चला जाता है, तो आगे जो इलाका है उसके लिए पानी यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये सिल्टेशन टैंक्स अमूमन एक से दो बनाए जाते हैं सरबंद के ऊपर, जहाँ से पानी आगे लाया जाता है। तो सिल्टेशन टैंक का एक ही काम है, सिल्ट को जो पानी के अंदर सिल्ट आता है उसको साफ़ करना, और खुदा न खास्ता कोई अगर पानी आगे अगर कोई बारिशें होती हैं या फ्लडिंग होती है उसके नतीजे में ये वाटर चैनल टूट जाता है, तो ऐसे में ये यहाँ से खोल दिया जाता है, इसका इसकी गरारी खोल दी जाती है और ये नीचे से इसका जो निकासी जो है यहाँ से नीचे ड्रेन नीचे चला जाता है। एक पूरा सिस्टम है यहाँ के कस्टमरी लॉज है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कस्टमरी लॉज के ज़रिए से ये पूरा इलाका, ये पूरे इलाके पूरे नॉर्दर्न रियाज में जहाँ पर ज़मीनों की काश्तकारी, यहाँ पर पानी के हवाले से बात हो या यहाँ के कम्युनिटी के डेवलपमेंट के हवाले से मुकामी सतह पर काम हो, तो जरागाहों के हवाले से हो या पानी की तकसीम के हवाले से हो या किसी खुशी या गमी में शराकत के हवाले से हो, यहाँ के कस्टमरी लॉज है उन लॉज को सामने रखते हुए तमाम तर काम किया जाता है। अनइंटरप्टेड काम होता है, पूरा काम साल भर चलता रहता है और ये बेहतरीन निज़ाम है और इसको आगे चलते रहने चाहिए। जदीद निज़ाम भी आया हुआ है, उस निज़ाम के साथ इसको जेलिंग करने की ज़रूरत है ताकि हम बहुत बेहतर अंदाज से यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें और इस पानी की वजह से आगे खुशहाली आती है। लोग काश्तकारी करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, इसके बाद फलदार दरख्त हैं, जंगली दरख्त हैं, तो एक पूरा निज़ाम है, पूरा एक हाउस होल्ड इकानमी है और इस पानी की वजह से ये सारे इलाके आबाद हैं और इन्हीं पानियों की वजह से लोग आगे तरक्की करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का ये भी लोग आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, और यकीनन आपको ये नाला देखकर, ये पानी देखकर मज़ा आया होगा। मैं आज अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, हमने बहुत तवील वॉक की है, आगे हाइक की है और साथ वॉक भी की है, तो कल हम एक दूसरे इलाके में चले गए थे, आज हम यहाँ आए और बड़ा ही दिलचस्प इलाका है, पुरलुत्फ जगह है, लोग यहाँ आते हैं इंजॉय करते हैं और यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं, टाउन से भी लोग आते हैं, सयाह आते हैं।